जय हिंद आप सभी को। हरे कृष्ण, मेरा नाम नीतीश कुमार साहब है, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शांभवी दीदी आपका। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे लाइफ में आए। और थैंक यू कहना चाहूँगा कृष्णा जी का जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ पाया हूँ। मैंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद कुछ बुक की लिस्ट बनाई थी जो मुझे पढ़नी थी। उनमें से एक बुक था द सीक्रेट। द सीक्रेट के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे 3 मई 2020 को दीदी का पहला वीडियो द सीक्रेट का पहला चैप्टर मुझे मिला। और वो वीडियो देखकर मैं इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि मैं एक और बहुत सारे वीडियो देखे और जैसे शांभवी जी से जुड़ सकता। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास तो हो रहा था, मगर ये विश्वास 100% तब हुआ जब मैंने उनकी एक टेलीपैथी टेक्निक की मेरे एक दोस्त के ऊपर। मेरा एक दोस्त जो जिससे करीबन लॉकडाउन के बाद जो है 2 महीनों से बात नहीं हुई थी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन कुछ मन मोटाव कारण थोड़ा सा बात नहीं हो रहा था। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मैसेज पहले कौन करें। फिर मैंने टेलीपैथी टेक्निक 6 जून 2020 को जो है उस पर जो है रात को 6 जून 2020 को रात को मैंने जो है एक हैप्पी मोमेंट था हम लोग का, जिसे मैंने सोचा था। हम दोनों बाइक में से आ रहे थे और बाइक जो है वो चला रहे थे हमारे दोस्त, जबकि उनको बाइक चलाना नहीं आता था। हमें बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि उसको बाइक चलाना नहीं आता था उतने समय, तो डर लग रहा था। लेकिन अभी सोचे तो बहुत ही जो है फीलिंग्स वाली एक हैप्पी मोमेंट है ना। तो रात को मैं उसे बस सोच रहा था और फील तो ही देती है। फिर जो है उस में मैंने बस लास्ट में एक चीज़ ऐड की थी। जब मैंने वहाँ से जब उसको रूम छोड़ के आता हूँ, तो आते समय मैंने बस उसमें एक चीज़ ऐड किया था कि मैं उसे कह दिया था कि बहुत दिन हो गए मैसेज नहीं किया, मैसेज करना। बस ऐसे ही सोचते सोचते सो गया था। अगली सुबह मैं बहुत व्यस्त था, मुझे जो है मैंने कोई टेक्निक की है मुझे याद ही नहीं था। मुझे इतना व्यस्त था सुबह से कि मैंने रात की कोई टेक्निक की है याद ही नहीं था, तो उसके रिजल्ट का भी इंतजार नहीं था। तो शाम को जब मैं व्हाट्सअप पे था तो एक कॉलेज का इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए, जो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर था, उसी कॉलेज के इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए उसने जो है मैसेज किया। और फिर हम दोनों की बात होने लगी। मैं 7 जून के शाम को ही, 6 जून 2020 को मैं टेलीपैथी टेक्निक की चुकी थी, 7 जून के शाम को ही मुझे इसका रिजल्ट मिल गया था। मैं सच में शौक हो गया था इसको देख कर। मुझे जो है बहुत सारे इन्वर्सन भी मैंने मिल चुके हैं। और मैंने जो है मेरे फेवरेट साइंटिस्ट निकोलावाल टेस्ला की 369 टेक्निक भी जो है यूज़ की है। 369 टेक्निक मैंने 30 दिन का जो टेक्निक दीदी ने बताया था, 30 दिन का टेक्निक जो है मैंने यूज किया था। और ये सच में जो है मेरे लाइफ में अच्छा रिजल्ट लेके आया है। मैं बहुत ही एक्टिव और जो है हल्का फील कर रहा हूँ। और बहुत सारे यूनिवर्स साइन मुझे भी मिल चुके हैं। यूनिवर्स साइन में 2 यूनिवर्स साइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब मैंने एक सक्सेस स्टोरी एक बहन की देखी थी, जिसमें उन्होंने श्री गणेश जी से जो है येलो कलर की, पीले कलर की कार दिखाने को कहा था, तो उन्होंने जो है तुरंत उन्हें जो है एक येलो कलर की कार दिखी थी। तो मैं इसको देखा और मैं भी जो है छत पर गया और मैंने भी कृष्णा जी से कहा कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे एक ब्लैक कलर की तितली दिखाइए। उसके जस्ट बाद मैंने छत से नीचे देखा तो मुझे एक जो है ब्लैक कलर की तितली दिख रही थी। मैं बहुत खुश हो गया। सेकेंड बार भी मैंने बटरफ्लाई ही दिखाने को कहा था, मगर मुझे तुरंत नहीं दिखे। मैं थोड़ा बेचैन जरूर हुआ था, मगर मुझे विश्वास था कि कृष्णा जी तो हमेशा ही मेरे साथ हैं। और जैसे ही मैं छत से नीचे आ रहा था तो व्हाट्सएप पे जो है गुड मॉर्निंग का मैसेज का रिप्लाई करते हुए मेरे एक दोस्त ने एक पिक सेंड किया था। उस पिक में था एक बटरफ्लाई का पिक था। सच में जो है मैं एकदम से जादू की तरह काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मुझे बहुत सारे एप्टीट्यूड नंबर भी दिखते हैं। इसके अलावा जो है मैंने जादू की प्रैक्टिस पूरी कर ली है। जादू की प्रैक्टिस पूरी करने के बाद तो सच में जैसे लाइफ पॉजिटिविटी से भर गई है। जादू की प्रैक्टिस पूरी करने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ चुके हैं लाइफ में। मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, मैंने न्यूज़ देखना पूरी तरह से छोड़ दिया है और बहुत सारे चेंज आ चुके हैं। जादू की प्रैक्टिस में 3 रिलेशनशिप वाली जो प्रैक्टिस थी उसमें भी बहुत तीनों मेरे रिश्ते, खराब रिश्ते थे, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और
इसके अलावा जो है एक और सेल्फ लव के लिए एक टेक्निक है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सेल्फ लव के लिए, और टेक्निक है ओल्ड सॉन्ग को खुद के लिए फील करना, वो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि सारे ओल्ड सॉन्ग जो है मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और जब उन सॉन्ग को जो है मैं खुद के लिए फील करता हूँ तो सच में मेरा सेल्फ लव एकदम हाई हो जाता है। वो टेक्निक मेरी सबसे फेवरेट है, और जिसे करने के बाद मेरा सेल्फ लव जो है बहुत हाई हो चुका है। सांभवी दीदी से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दीदी आपको और आपकी फैमिली को जो है भगवान ढेर सारी खुशियाँ दें। आई लव यू दीदी, आई लव यू सो मच। मेरे पास मेरी और ढेर सारी सक्सेस स्टोरी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और थैंक यू कहना चाहूँगा सांभवी दीदी के नए चैनल जो है द लाइफ विद कृष्णा के लिए, जिसमें हम श्रीमद् भागवत गीता को जो है ईजिली समझ पाते हैं। और थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपना अपना रखे ख्याल अपने अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। थैंक यू।